यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य गुरुवार को कौशाम्बी पहुंचे। यहां पर वे शिक्षक स्नातक एमएलसी चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं से मिले और पार्टी कार्यकर्ताओं से प्रत्याशी को जिताने की अपील की। डिप्टी सीएम ने बताया कि प्रदेश में 5 शिक्षक स्नातक एमएलसी का चुनाव 30 जनवरी को होना है। उन्होंने कहा है कि सीटों को भारी बहुमत से जीत रहे हैं। वहीं सपा के दिग्गज नेता रहे मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण सम्मान दिए जाने के सवाल पर डिप्टी सीएम ने कहा है कि पद्म विभूषण देने का निर्णय केंद्र के नेतृत्व का है और पार्टी हमेशा से अच्छे कार्य करने वालों का सम्मान किया है। शिक्षक और स्नातक एमएलसी के चुनाव हो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी सभी 5 सीटों को बड़े अंतर से जीतने में सफल होगी। लोगों का समर्थन, लोगों का आशीर्वाद है। पार्टी लगातार प्रयास कर रही है और आज की गणतंत्र दिवस 74वां गणतंत्र दिवस है और बसंत पंचमी का भी पवित्र दिन है। इसलिए मैं सभी अपने कौशाम्बी वासियों को, सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को, दुनिया भर में बसे हुए भारतवासियों को बहुत बहुत मैं गणतंत्र दिवस की भी और बसंत पंचमी की भी हार्दिक शुभकामनाएं।